चलिए आज आप अपने एक और नए स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। नाम है दीपक सिंह, जिनकी रैंक है ऑल इंडिया 48। और दीपक, सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाइयाँ। दीपक जो है वो कोलकाता से आया हुआ स्टूडेंट था भोपाल में, और दीपक ने ड्रॉप लिया था, मतलब फाइनल ईयर करने के बाद भोपाल आया, और भोपाल में एक साल प्रिपरेशन की। और कोलकाता से भोपाल आना, मतलब ये सोचना भी कई बार मुश्किल होता है लोगों के लिए, पर इसने डिसीजन लिया और ऑल इंडिया 48 रैंक अचीव की। तो एक बार पहले आपको बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। वेरी बिग थैंक यू सर, आपके वजह से, आपके और प्रतीक सर के वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया है, और हमारे जो पेरेंट्स हमें जो सपोर्ट करते हैं उसके वजह से ये ऑल इंडिया रैंक 48 आया है मेरा। तो दीपक, कैसा लग रहा है आपको कोलकाता से जब आप निकले थे घर से, जब आप क्या सोच के निकले थे, क्योंकि काफी लंबी जर्नी रही है इतनी दूर आना, और उस चीज के लिए पेरेंट्स को कन्विंस करना इतनी मेट्रो बड़ी सिटी से आने के लिए, वो सब कैसे आपने किया और क्या क्या आपके चैलेंजेस आए आपके सामने? पहले तो मैं सर अपने मतलब किसी को भी बोलता था कि मैं भोपाल जाऊंगा प्रिपरेशन करने, तो कोई बिलीव ही नहीं करता था कि कोलकाता छोड़ के कौन भोपाल जाता है। तो मैं बोला नहीं, वहाँ पे निमसेत के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे जाके अपने प्रिपरेशन लूंगा। तो पापा तो मतलब पापा मेरे हमेशा से सपोर्टिंग रहे हैं कि मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ तो पापा हमेशा उसके लिए सपोर्टेबल रहते हैं, मतलब उनको बिलीव है मेरे ऊपर कि हाँ ये जो भी करेगा सही करेगा। तो मैं जिसको भी अपने फ्रेंड्स को बताता था कि अरे मैं जाऊंगा मतलब इम्पीटस गुरुकुल भोपाल, तो बोलते अरे कोलकाता छोड़ के कौन जाता है भाई, कोलकाता इतनी बड़ी मेट्रो सिटी है और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम भी कोलकाता की बहुत अच्छी है सर, तो ऐसे नहीं है। लेकिन हमने आपके वीडियो जो है देखी थी, और मेरा एक फ्रेंड जो है जो मेरे साथ यहाँ पे था कॉलेज में, तो वो जून में ही आपके वो इम्पीटस से ज्वाइन हो चुका था। तो उससे एक दिन सैटरडे को मैंने बात किया, तो आपका संडे को पहले फुल लेंथ टेस्ट चलता था, तो उससे मैंने सैटरडे को बात किया, तो उसने बोला भाई, थोड़ी देर बात करने के बाद बोला भाई भाई रखो रखो मेरा कल टेस्ट है मुझे पढ़ना है। तो वो एक और मोटिवेशन आ गया कि नहीं नहीं मतलब वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई सही से हो रही है। तो फिर मैं यहाँ पे अगस्त 31 को यहाँ से निकला था, और मैं वहाँ पे आपको आपके इम्पीटस में मैं 4 सितंबर को ज्वाइन किया था। तो संदीप, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मैंने एक चीज और देखी दीपक, सॉरी संदीप निकल गया दीपक, कि जैसे मुझे जब बच्चे एमपी के फोन करते हैं या यूपी के आसपास, और वो बोलते हैं कि सर हम लोग यहाँ पर यहाँ के हैं तो भोपाल आना तो मुश्किल है, तो मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ कि बेटा तुम शायद सबसे करीब को मेरे पास कोलकाता, आसाम, काश्मीर, इंडिया का शायद ही ऐसा कोई कोना हो जहाँ के बच्चे नहीं आए, तो तुम तो बहुत पास के हो। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कोलकाता में एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है, सब कुछ है, उसके बाद भोपाल आना काफी बड़ा चैलेंज था। और मैं ये बात इसलिए बोलना चाहता हूँ कि बच्चे कई बार निकलते नहीं है, तो ऐसा आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कई बार इस वजह से रुक जाते हैं या कंप्रोमाइज कर लेते हैं? सर देखिए, कोई भी लाइफ में कोई भी डिसीजन लीजिए, लेकिन अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि मैं जो भी डिसीजन लूंगा, डिसीजन मैंने ले लिया, अब मेरा काम है उसको सही करना। तो आप बस एक डिसीजन ले लीजिए, बस उस पर लग जाइए, बस वो हार्ड वर्क डेडिकेशन के साथ आप बस वो मतलब जिस जो भी डिसीजन लीजिए लाइफ में, कोई भी डिसीजन लीजिए, मैंने ये चीज आपसे सीखा हूँ सर कि डिसीजन कुछ भी लीजिए, बस उस चीज पे लगे रहिए हार्ड वर्क के साथ, वो मतलब वो सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये हर हाल में मिलेगा आपको। तो ये चीज, तो ये सारी चीजें सर लाइफ की बहुत सारी चीजें, मतलब भोपाल जाने के पहले लाइफ का मतलब मेरा जो नजरिया था जिंदगी को देखने का, तो वो अलग था, लेकिन आप लोगों से मिलने के बाद फिर अभी तो एक कॉन्फिडेंस आता है ना कि आप ऑल इंडिया रैंक 48 आते हैं, तो फिर आपको एक बिलीव होता है कि नहीं मैं कुछ करूंगा, मतलब तो वो एक जो बिलीव होता है ना आपके अंदर, जो पोटेंशियल डेवलप होता है, तो वो आपको लाइफ में आगे चल के बहुत काम आएगा। बिल्कुल सही बात है दीपक, कि एक बार डिसीजन ले लो। और मैं हमेशा देखा ना आपने क्लास में क्या करता हूँ, पहले डिसीजन लेता हूँ फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, पर मैं करवा लेता हूँ एग्जीक्यूट, क्योंकि मुझे और खुद भी करता हूँ। तो पहला रूल होता है डिसीजन लेना, और फिर डिसीजन लेने के बाद चेंज ना करना और उस पर लगे रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात बोलना चाहूंगा दीपक को, आपको भी बताऊंगा बाकी जूनियर्स को भी, कि जैसे दीपक ने ड्रॉप लिया, अभी मैंने इसके पहले जिन बच्चों के इंटरव्यू लिए थे उन्होंने फ्रेश फाइनल ईयर में थे, ये मैटर नहीं करता कि फाइनल ईयर है या ड्रॉप ईयर, मैटर ये करता है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो फिर पीछे नहीं हटना है, मुड़ना नहीं है। तो जब आपने ड्रॉप लिया, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। मैं तो और 1700 किलोमीटर दूर यहाँ से गया, तो मेरे लिए तो और चैलेंजिंग था, लेकिन फिर भी मुझे बिलीव था कि मैं वहां जाऊंगा तो कुछ ना कुछ करूंगा, क्योंकि सर देखिए जो बीसीए विषय जो हम लोग किए हैं तो वो तो ऐसे ही किए हैं नॉर्मली, बिना कोई मतलब इंट्रेंस वगैरह दिए। तो अभी जो एक पोटेंशियल डेवलप हुआ हम लोग के अंदर कि अभी हम चाहे तो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ सकते हैं, वो बिल्कुल सही, वो जस्ट बिकॉज ऑफ इम्पीटस गुरुकुल, क्योंकि हम लोग वहाँ पे सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक रुकते थे, पढ़ाई करते थे, अच्छे इन्वायरमेंट। एक्चुअली हम कोई भी इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करते, क्योंकि वहाँ पे एक इन्वायरमेंट मिलता है पढ़ने का, और आपके जैसे सर टीचर्स वैसे गाइडेंस देते हैं, प्रतीक सर है, वो आपको एकदम लगाया कि हाँ तुम लगे रहो बस। तो ये चीज है, ये चीज आदमी के अंदर डेवलप होना बहुत जरूरी है,
तभी आप आगे जाके कुछ कर सकते हैं, क्योंकि खुद सेल्फ बिलीफ तो तभी आएगा ना सर कि आपने लाइफ में पीछे कुछ किया है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है दीपक। और मुझे याद है क्योंकि जब आप कोलकाता के बारे में बता रहे थे हम लोग चाय पीते हुए कि कोलकाता में दुर्गा पूजन बहुत अच्छी होती है और दिवाली, तो आपकी ये दुर्गा पूजन और दिवाली सबसे अच्छी रही, क्योंकि ये दिवाली के पहले का रिजल्ट था, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाया इसने। यस सर, मतलब अब तो मतलब सारे फ्रेंड्स वगैरह के फोन आते हैं, मतलब सब मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो आपकी एक मतलब वैल्यू बढ़ जाती है सर। मतलब आप पहले नॉर्मल होते हैं, उसके वो जो ग्राफ ऊपर जाती है ना अपने लाइफ की, आपके घर वाले ही आपको एक अच्छे मतलब वो मतलब उनको एक बिलीफ मतलब उनको लगता है ना कि आप एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है आपसे कि हाँ मतलब ये बंदा कुछ करेगा आगे चल के, वो बात है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा दीपक एक बात और बोलना पूछना चाहूंगा, कई बार बच्चे ड्रॉप लेने से घबराते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये साल खराब ना हो जाए, और मतलब वैसे तो मैं मानता हूँ खराब नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, पर कई लोग ऐसे रुक जाते हैं, तो आपके साथ के भी कई फ्रेंड्स ऐसे होंगे या कई लोगों ने बोला होगा कि ड्रॉप का फायदा नहीं है या इसमें कहीं कुछ हो गया ये वो, तो उनका पहले और आज के नजरिए में जब आपको पहले ड्रॉप ले रहे थे जब उनका क्या सोचता और आज क्या सोचे, मैं चाहूंगा कि ये जरूर बताएं, क्योंकि जो लोग फाइनल ईयर कर चुके होते हैं और वो ड्रॉप लेने से कई बार रुक रहे होते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सर मेरा तो यही मानना है कि आप ड्रॉप ले रहे हैं तो ये कोई भी वेस्ट नहीं है आपका, ये एक इन्वेस्टमेंट है सर। आप अपने वीडियो में हजारों बार बोल चुके हैं ये चीज कि ड्रॉप कभी भी आपका वेस्ट ईयर नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट ईयर होता है। बिल्कुल सही। आप एक चीज बताइए सर, अभी मैं अभी ड्रॉप नहीं लेता, मैं कोई प्राइवेट कॉलेज में होता या फिर पौंडीचेरी में होता, क्योंकि मैं लास्ट ईयर पौंडीचेरी मतलब क्रैक किया था, तो अभी मैं पौंडीचेरी हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो अभी कॉन्फिडेंस है एक, तो वो चीज तो डेवलप नहीं होती ना, तो ड्रॉप लेना कभी भी गलत एक ऑप्शन नहीं है। बस ये है कि आप ड्रॉप ले रहे हो तो बस जेन्युइनली हार्ड वर्क करते ही रहना और मतलब लगातार पढ़ाई कर, हर रोज आपको पढ़ाई करनी ही है, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि आज संडे है तो मैं नहीं करूंगा, संडे को तो और अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि हमारे इम्पेटस में ऐसे होता था कि संडे को टेस्ट होता था तो हम टेस्ट पेपर एनालिसिस करके और कितनी सारी चीजें सीखे। अभी हम वो निम्से 2020 देने गए तो कितने सारे क्वेश्चन तो देख के हम लोग मतलब टिक मार के आ गए कि अरे ये तो याद है याद है याद है, तो ये टेस्ट पेपर एनालिसिस करने से यही तो फायदा होता है सर कि आप मतलब क्वेश्चन को देख पाओगे कि हाँ कि ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, और ये आपके दिमाग एनालिसिस करने से क्या होता है ना सर कि आपको दिमाग में क्वेश्चन छप जाती है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे आंसर है, तो वो चीजें तो डेवलप होती है ड्रॉप ईयर लेने से। और ड्रॉप ईयर लेने से ये भी है सर, आपके अंदर जो पोटेंशियल डेवलप होगा 10-12 घंटे पढ़ने का, फिर वो आपकी एक अच्छी रिजल्ट आएगी, फिर आप अच्छे इन्वायरमेंट में जाओगे सर। मेनली चीज तो लाइफ में वही है ना कि इन्वायरमेंट आपको कैसा मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। मतलब कोई भी एनआईटी में जाओगे सर, टॉप 100 टॉप 200 मतलब एमसीए के टॉप 200 बंदों के साथ आप पढ़ाई करोगे, तो आप सोच रहे मतलब आपकी लेवल ऑफ थिंकिंग कहाँ से कहाँ पहुंचेगी, तो आगे जाके कितना काम आएगी, और आप नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में ले लेंगे तो क्या ही है सर। देखिए ये बात बताता है कि कंप्रोमाइज कभी कभी हम जिस कंप्रोमाइज को करते हैं कभी कभी वो कंप्रोमाइज हमें पूरे जीवन तकलीफ देता है, और कई बार उस कंप्रोमाइज को बचा लिया। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, जीवन का वो साल नहीं बचाना है जो अगले 50 साल बना रहा हो, तो ये साल आपका इन्वेस्टमेंट ईयर था और इस साल ने आपकी इंटायर लाइफ बदल दी। अब कई लोग जो उस समय सोचते थे कि नहीं नहीं ये क्या हो रहा है, आज वही आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि नहीं दीपक तुम्हारा डिसीजन बहुत अच्छा है। और मैं सभी बच्चों को जो फाइनल ईयर कर चुके हैं या जो जिनका ड्रॉप भी है उनको भी बोलूंगा कि लाइफ में कंप्रोमाइज नहीं करना है, एक कंप्रोमाइज आगे के कई सारे कंप्रोमाइज बढ़ा देता है। तो दीपक को आप देख ही रहे हैं और दीपक का ये रिजल्ट है। दीपक मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि जब हमने ड्रॉप लिया होता तो थोड़ा तो प्रेशर होता ही हमारे ऊपर, फैमिली का भी और फ्रेंड सर्कल का भी, वो प्रेशर को कैसे हैंडल किया आपने? नहीं सर, मेरे फैमिली से उतनी कुछ नहीं थी, मेरी मम्मी और मेरे पापा जो है ना वो बहुत सपोर्टिव है, मतलब उनको एक बिलीव है सर ये, मतलब मैं स्टार्टिंग थोड़ा अच्छा हूँ मतलब सही से कर रहा हूँ सब कुछ, तो वो उनको लगता है, हाँ तो उनको लगता है कि हाँ कुछ करो, लेकिन वो मतलब सर आप प्रेशर लेके क्या होगा सर, आप मेंटली स्ट्रेस लोगे तो क्या फायदा, आप जितना उस पर प्रेशर लोगे उससे अच्छा रिलैक्स होगे, चिल होगे, पढ़ाई करो, सॉल्व करो, मैथ वैथ लगाओ सही से। और मैं तो ये सजेशन दूंगा जो भी जूनियर्स आने वाले एमपीटीएस से जुड़ने वाले या फिर कहें, उनको मैं सजेशन दूंगा आप 2-3 बार लगाओ एक एक टॉपिक को, क्योंकि फर्स्ट बार में आपको टफ लगता है। मुझे आज भी याद है मैं जब अक्टूबर नवंबर में था तो उस टाइम हमारे इंस्टीट्यूट में सर्कल चल रहा था, तो मैं एक दिन में सिर्फ 28 क्वेश्चन नहीं लगा पाया था, तो जिसके वजह से अब मैं जब 2-3 मैं उस दिन बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया कि अरे आज पूरे दिन भर में 28 क्वेश्चन नहीं लगा पाया हूं, तो फिर जाके अभी मैं जब 2-3 बार लगा तो अब एक एक दिन में 150 क्वेश्चन लगा देता, 100 क्वेश्चन लगाता था, तो ये एक प्रॉफिटेबल था कि हाँ मतलब आप ड्रॉप ईयर लेने से ये फायदा है। और अब मैं एक जूनियर को यही सजेशन दूंगा कि आप लगे रहो, मतलब हार्ड वर्क करते रहो, एक टॉपिक को 2-3 बार करते रहो, आप कॉन्सेप्ट इतना अच्छा बनेगा सर, 2-3 बार लगाने से ना कॉन्सेप्ट इतना अच्छा बनेगा, आप मतलब वो क्वेश्चन देख के आप समझ जाओगे अच्छा इसका डायग्राम कैसा, और आपने भी कितना बार बताया कि मतलब
ऑर्गेनाइज पढ़ना है तो पहले तो डायग्राम, एक छोटा से छोटा क्वेश्चन भी हो आप डायग्राम ड्रॉ करो ही करो, तो ये सारी चीजें है। तो ये बिल्कुल से यही सब हुआ है कि अच्छा दीपक, ये जो आपने बात बोली काफी अच्छी बात बोली, अभी जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन किए हुए हैं या जो क्लासरूम किए वो हमेशा मुझसे कई बार एकदम से जैसे पेपर में परफॉर्मेंस नहीं आई, क्वेश्चन नहीं बना, तो टेंशन में आ जाते हैं, प्रेशर लेते हैं। मैं बोलता हूँ ये डे बाय डे धीरे धीरे डेवलप हो गए अपने आप तो बनने लगेंगे, तो ये सबके साथ होता है। तो आप भी ये बात बच्चों को बताएं कि जब आपके पेपर में स्कोर अच्छे नहीं आते थे या क्वेश्चन नहीं बनता था तो आप क्या सोचते थे, क्योंकि अभी क्या होता है जब बच्चा ज्वाइन करता है उसको लगता है सब कुछ बन जाए एकदम से, पेपर मिला है तो पूरे आ जाए स्कोर। तो क्या आपके स्टार्टिंग से पेपर में स्कोर आना चालू हुआ था या धीरे धीरे आना चालू हुआ, ये आप बच्चों को जरूर बताएं। हाँ सर देखिए, पैनिक होने से कुछ नहीं होता, आपकी इस बार पेपर कम, जो चीज नहीं बनी है आप उसको ट्राई करो, एनालिसिस करने का तो यही तो फायदा है सर कि आपसे जो चीज नहीं बनी है आप उसको ट्राई करो कि मैं यहाँ पे कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले जब हम लोग लॉकडाउन के पहले जब ये कोरोना पेंडेमिक नहीं आया था तो प्रतीक सर ने वो सारी एक चार्ट बनवाई, आपने भी बोला कि एक चार्ट बनाओ एक कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन बने, कौन से टॉपिक के नहीं बने, कौन से अटेम्प्ट हुए, कौन से रॉन्ग हुए, क्यों रॉन्ग हुए, ये सारी चीजें जो मतलब आपने जो वो परफॉर्मेंस सेट किया था वो सारी चीजें हमें कितनी हेल्प की कि कौन से टॉपिक के कौन से सब टॉपिक से नहीं बने, तो वो सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। आप देखो कि हाँ अगर मैट्रिक्स है तो ये इस टॉपिक के नहीं बने तो इसमें बने, कोऑर्डिनेट है तो अगर आपको सर्कल क्वेश्चन नहीं बने तो आप सर्कल में थोड़ा फोकस करो, जो आपके स्ट्रांग है उसको थोड़ा सा नीचे करके जो वीक है उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम दो, इस तरह से आपको डेवलप। और एक दो बुक को आप एक बुक को कोई भी एक बुक कोई भी एक बुक दो बुक लेकिन आप सब्जेक्टिव सर जैसे बताते हैं बेस बुक लगाइए, उसके साथ साथ ही आप कोई भी एरर मतलब एरर लेस लगाइए, इफ़ आईडी ऑब्जेक्टिव लगाइए, कोई भी साथ साथ ही लगाइए, ये मत सोचिए कि हाँ मतलब ये खत्म होगा फिर मैं बाद में लगाऊंगा, तो ऐसे तो नहीं हो, पॉसिबल नहीं हो पाता फिर। तो आप बस एक बुक को दो तीन बार लगाइए, दो तीन बार लगाने से यही प्रॉफिट होगा ना फिर आपको कि आपको कॉन्सेप्ट इतना अच्छा बनेगा सर। मैं खुद आपको बता रहा हूँ कोऑर्डिनेट मैं कितनी बार लगा चुका हूँ, उसके वजह से अभी कोऑर्डिनेट की कितने भी मतलब आप तो मजे आते हैं सर। मतलब मैं पहले उस टाइम सोचता था नवंबर में कि मैं एक दिन में सिर्फ 28 क्वेश्चन लगाया, अब तो जैसा भी आया मतलब कर लूंगा, मतलब ऐसा वो सिचुएशन वो वही बात मैं जूनियर बच्चों को बोलता हूँ कि पहली बार में जरूरी नहीं सब बन जाए, पर पढ़ते जाओ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीछे लेवल बढ़ता जाता है। बिल्कुल वैसे ही है कि सेवंथ क्लास में जब हम थे तो हमें भले ही सेवंथ की मैथ्स तब लगती है, पर जब हम एट नाइन्थ में आ जाते हैं तो हम उस सेवंथ की मैथ्स को दो घंटे में कर सकते हैं, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। और मैं आप सबको बच्चों को यही बोलना चाहूंगा कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो डाउट आते हैं, क्वेश्चन नहीं बनते, तो आगे बढ़ो उनको छोड़ के, और धीरे धीरे जब दोबारा उनको करोगे तो आई होप कि पूरे बन जाएंगे। चलो दीपक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कोलकाता बहुत बड़ी सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है, और बहुत जल्दी मैं वहां आने भी वाला हूँ, आपके साथ घूमूंगा जब अगली दुर्गा पूजन होगी जैसा अपन ने बात की थी। तो अभी आप एनआईटी त्रिची जाओ, वहां पर जाके भी बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, और अभी जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, खुश रहो और अच्छे से आपकी ये दिवाली जो थी एक्चुअल दिवाली बन गई। चलिए ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन सर। मैं हाँ सर, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो सुनते हैं जो चाहते हैं कि मैं ड्रॉप ना लूं, तो मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। मैं लास्ट ईयर में पौंडीचेरी क्रैक किया, तो मैं गया भी एडमिशन लेने, फिर तो मैं ट्रेन में था ना, तो मैं डिसाइड कर लिया नहीं यार अब एक साल तो और देना ही है, फिर तो मैं जाके वहां पे एक हफ्ते बिता के वीक मतलब हॉलीडे मना के फिर वापस आ गया। तो फिर पापा बोले यार क्या हुआ तुम गए फिर आए नहीं, पापा नहीं फिर एक बार मतलब एक तो होता है ना जैसे आप लाइफ में बाद में मतलब 40 साल बाद या फिर 10 साल बाद बोले काश मैं उस टाइम ड्रॉप ले लेता। तो वो चीज सोच के कि मुझे लाइफ में बाद में ना काश वाला शब्द नहीं चाहिए, तो इस वजह से मैं ड्रॉप लिया। अभी मेरे पेरेंट्स कितने खुश है मतलब कि अरे मेरे वो भैया वैया जितने भी है बिग ब्रदर वगैरह सब इतने खुश है कि अरे तुम्हारा डिसीजन बहुत अच्छा था कि मतलब, तो एक चीज है ये चीज सारी चीजें। अब मैं लास्ट ईयर पौंडीचेरी में लेता तो ये जो अभी कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर ये तो कभी भी नहीं हो पाता ना, फिर कभी भी नहीं हो पाता। बिल्कुल सही बात है, ये जो आपने वर्ड बोला ना काश, मैं हमेशा बोलता हूँ ड्रॉप लेने का, कई बच्चे बोलते हैं सर नहीं हुआ, मैं बोलता हूँ नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर ये काश वर्ड हट जाएगा, आपने अपना दिया फिर हुआ नहीं हुआ अलग बात है, पर ये जो वर्ड बोला ना आपने, जैसे अपने पास आपने कई सीनियर्स, जैसे लास्ट ईयर आपको याद होगा शिवम अरोड़ा, वो एनआईटी रायपुर ज्वाइन करके फिर छोड़ के आया और उसने फिर दोबारा तैयारी की और आज एनआईटी सूरतकल में, तो मन में वो नहीं रहता। एक अपने आप को अगर आप समय देते हो तो आपको अंदर से खुशी होती है, और सबसे अच्छी बात है जब आप इस बिलीव के साथ देते हो कि नहीं मुझे समय देना है और ये काश वर्ड हटाना है, तो आप मेहनत भी करते हो। तो दीपक ये बात बहुत अच्छी बात बताई आपने बच्चों को। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ध्यान रखो अभी अपना और खुश रहो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।